दोस्तों किसी ने सच कहा है, अगर आप डर से आगे बढ़ जाते हैं, आप डर के समय धैर्य दिखा देते हैं, तो आपके सामने डर बौना पड़ जाता। आइए नमन करते हैं आज प्रभु जगन्नाथ को। आज उनकी रथ यात्रा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर और आपके अपने Facebook पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज पर। दोस्तों एक छोटी सी कहानी। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। वो कहीं जा रहे थे तो किसी जंगल से गुजर रहे थे, तो चलते 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 जंगल बहुत बड़ी थी और अंधेरा हो गया, शाम हो गया। तो श्री कृष्णा ने बलराम से कहा कि बलराम आज हम लोग यहीं जंगल में रात गुजार लेते हैं, सुबह चलेंगे, अब और चला नहीं जाता। बलराम ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कृष्णा यहाँ बहुत सारे बाधाएँ आएंगी रात को जंगल में। बोला एक काम करो, जब तक मैं सोता हूँ आप जगो, और जब आपको नींद आने लगे तो आप मुझे जगा देना, फिर आप सोना मैं पहरा दूंगा। इस तरह करके दोनों की नींद भी पूरी हो जाएगी और रात भी गुजर जाएगा। आइडिया अच्छा लगा और श्री कृष्णा पहले सो गए, बलराम जी पहला पहरा देने लगे। जब पहरा बलराम जी दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक राक्षस जैसी आकृति उनके पास आ रही है। बलराम जी उस राक्षस आकृति को देख के पहले थोड़े से डरे, फिर वो राक्षस आकृति एक बार जोर से चिल्लाया। उनकी चिल्लाहट सुन के बलराम जी को थोड़ी सी डर लगी, तो बलराम जी साइज में थोड़े छोटे हो गए और राक्षस और बड़ा हो गया। फिर दोबारा चिल्लाया, दोबारा फिर से डर लगा बलराम जी को, तो बलराम जी फिर थोड़े से छोटे हो गए और राक्षस का साइज और बड़ा हो गया। इस तरह करके बारंबार चलता रहा कि राक्षस जोर से गरजता, बलराम जी की साइज छोटा हो जाता और राक्षस का साइज बड़ा हो जाता। और बलराम जी इतने डर गए उस राक्षस से, वो कृष्ण को उठाना भी भूल गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। जब बलराम जी मूर्छित होकर गिर पड़े तो श्री कृष्ण जी की नींद खुली। उन्हें लगा कि शायद बलराम को नींद आ रही होगी बहुत ज़ोरों से और ये सो गया मुझे बिना जगाए, अब मुझे पहरा देना चाहिए। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद उसे भी वो राक्षस दिखा। वो राक्षस दिखने के बाद बलराम श्री कृष्णा डरे नहीं, वो सोचे आखिर ये कौन है। थोड़ी दूर आने के बाद वो राक्षस बड़ी जोर से गरजा, श्री कृष्णा नहीं डरे। उसने पूछा कि भाई कौन हो, क्यों डरा रहे हो? तो जब इतने ही धैर्य से श्री कृष्णा ने राक्षस से पूछा तो राक्षस का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया और श्री कृष्णा का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया। थोड़ी दूर आने के बाद राक्षस फिर से गरजा, श्री कृष्णा फिर भी नहीं डरे। उन्होंने बोला अरे भाई बताओ तो तुम हो कौन, क्या चाहिए? जब इतने ही धैर्य के साथ श्री कृष्णा ने राक्षस को पूछा तो राक्षस का आकार फिर छोटा हो गया और श्री कृष्णा का आकार बड़ा होते गया। थोड़ी और नज़दीक आने के बाद राक्षस फिर बड़ी, राक्षस को ये बड़ी मुश्किल हो रही थी, आखिर ये कौन मनुष्य है, मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर गरजना चाहा। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले भाई तुम क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ गवा रहे हो, तुम सामने आओ, मुझे बताओ तुम हो कौन, तुम्हें क्या चाहिए। इतनी बातें सुनने से राक्षस का मनोबल और टूट गया, आखिर ये कौन सा व्यक्ति, आज तक कोई मुझे इस तरह से जवाब तो नहीं देता था। और चार पांच बार जब ये लगातार प्रक्रियाएं चली, श्री कृष्ण डरे नहीं, तो राक्षस का आकार छोटा होते चला गया। अंत में राक्षस सामने आया और श्री कृष्णा को देख के डराने की कोशिश की। देखा श्री कृष्णा का साइज बहुत बड़ा हो गया, आकार में श्री कृष्णा बहुत बड़ा हो गए और राक्षस बहुत छोटा हो गया। श्री कृष्णा को एक चूहलबाजी सूझी, उसने राक्षस को पकड़ा और अपने जो धोती पर पहने हुए थे उसके अंगोछे में बांध कर कमर में लपेट लिया। फिर सुबह हुई, बलराम जी जगे, जगने के बाद दोनों चलना शुरू किया। तो रात में क्या हुई थी ये बताने के लिए बलराम जी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बोला श्री कृष्णा जानते हो, जब तुम सो रहे थे एक बहुत बड़ा राक्षस आया था, बहुत ही विशाल राक्षस था, संजोग था किसी तरह हम दोनों बच गए, मैं तो डर ही गया था। श्री कृष्णा मुस्कुराए, बोले रुक 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 रुक, अच्छा तुम इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो,
उसने अपनी गमछा खोली और धोती के बगल से उसको निकाल कर, अरे यही है बट इतना छोटा कैसे है, ये तो बहुत बड़ा आकार में था। हाँ ये तो था, तो ये वही तो है। श्री कृष्ण बोला हाँ ये वही है। तो बलराम जी बोले पर कल जब मैंने इसको देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया, वो आश्चर्य में थे। श्री कृष्ण बोले जो गीता का एक बहुत बड़ा रहस्य का ज्ञान था कि जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है। ध्यान देंगे, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करनी चाहिए तो वो तुमसे बड़ी होते जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उसी चीज का धैर्य के साथ सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए तो तुम उससे बड़े होते जाते हो और उस पर नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों ये राक्षस दरअसल हमारे मनुष्य जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं, अगर हम इन चुनौतियों को टालते रहें तो ये धीरे 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 आकार में बड़ी होते चली जाती है और अंत में ये चुनौतियां ही हम पे कंट्रोल करने लगती है, हमारा नियंत्रण करने लगती है और हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। अतः इन चुनौतियों का हमें साहस पूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू कर सकें। आप किसी भी चुनौतियों का जितना डटकर सामना करेंगे वो चुनौतियां धीरे 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 आकार में छोटी होती चली जाएंगी और फिर आप उसका आसानी से हल पा लेंगे या उस पर नियंत्रण कर लेंगे और आप सफल हो सकते हैं। किसी ने सच कहा था दोस्तों कि हर समस्या का हल होता है आज नहीं तो कल होता है। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी लेके चलो, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है तो अभी करिए और हमारे यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए। हम हर रोज़ मिलेंगे सुबह सुबह एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी लेके। तब तक विदा दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।